दूसरी तरफ बैरिस्टर वसी ने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के बाद सीनियर कैदी पशमोल गुलाम नबी आजाद पर बीजेपी का साथ देने के रिमार्क्स पर रद्देअमल जाहिर करते हुए कहा कि गुलाम नबी आजाद जब हैदराबाद आया करते थे मदरसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर बीजेपी के साथ साजबाज का इल्जाम लगाया करते थे, लेकिन आज पार्टी के लीडर राहुल गांधी ने ही उन पर बीजेपी का साथ देने का इल्जाम लगाया। बैरिस्टर वसी ने कहा कि मुस्लिम खातीन कांग्रेस पार्टी में वक्त जाये कर रहे हैं, कब तक वो पार्टी क्यादत की गुलामी करते रहेंगे। गुलाम नबी आजाद को अपनी कांग्रेस से वाबस्तगी का महासेवा करना चाहिए। देखिए, किसी पार्टी के अंदरूनी मामलात में मुझे शौक नहीं है कि उनके पार्टी में किसी पार्टी में कुछ होता है तो उनके इंटरनल मैटर्स पर कुछ तबसरा करूं, कमेंट करूं। मगर जब गुलाम नबी आजाद साहब जो पिछले 45 साल से कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता हैं, वो हर बार जब कभी हैदराबाद आते तो मुझ पर और मेरी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाते कि आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बीजेपी की बी टीम है। आज उन्हीं के पार्टी के राहुल गांधी ने उन पर यह कहा कि आपने लेटर पर साइन करके, लेटर लिख कर आपने बीजेपी का साथ दिया। तो अब गुलाम नबी साहब को ये सोचना पड़ेगा कि बीजेपी का साथ तो वो दे रहे हैं, जब उनके लीडर राहुल गांधी उनसे कह रहे हैं कि भाई आप तो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, और खुद गुलाम नबी ने मीडिया के सामने आकर मीडिया से कहा और सारी दुनिया से कहा कि अगर मैं बीजेपी से मिला हूं तो मैं इस्तीफा देने तैयार हूं। तो ये बात ये साबित हो चुकी है कि अगर आप कांग्रेस पार्टी का अपोज करते हैं, जैसा मैं कर रहा हूं, मैं बीजेपी का भी अपोज कर रहा हूं, मगर क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का अपोज कर रहा हूं तो कांग्रेस पार्टी मुझे बी टीम कहती है, और उन्हीं की पार्टी में अगर कोई उनकी लीडरशिप को अपोज करता है तो उनको बीजेपी से मिलाया जाता है। तो ये तो सोचना पड़ेगा उन मुस्लिम लीडर्स को जो कांग्रेस पार्टी में अपना वक्त जाये कर रहे हैं कि भाई आज आप पर इल्जाम लग रहा है कि आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं, तो कब तक आप ये गुलामी करते रहेंगे कांग्रेस की लीडरशिप की। विकल्प उस वक्त निकलेगा जब आप ये गुलामी की जंजीरों को तोड़ेंगे, विकल्प उस वक्त निकलेगा जब आप अपने मुकद्दर के फैसले खुद करेंगे। अगर आप किसी की गुलामी करते रहेंगे सिर्फ इसी के लिए, नहीं, कोई विकल्प नहीं। अरे भाई, मंजिल उसको मिलती जो मंजिल की तलाश में निकलता है। आप तो वहीं पर रहकर ये तमाम तौहीन को, इल्जामात को, आपकी बेइज्जती अगर बर्दाश्त करेंगे तो विकल्प कहाँ निकलेगा। आप निकलिए तोड़कर तो खुद विकल्प और आपके सामने आकर सर झुकाएगा। नहीं, मैं हरगिज नहीं कहूंगा गुलाम नबी साहब को, वो बड़े सीनियर लीडर हैं, मगर गुलाम नबी साहब को याद दिला रहा हूं कि आपने जिस जबान का इस्तेमाल करके मुझ पर इल्जाम लगाया था, आज वही इल्जाम आपके पार्टी का एक एक्स प्रेसिडेंट आप पर लगा रहा है और आपको ये कहना पड़ रहा है कि मैं रिजाइन करने तैयार हूं। तो उनको सोचना पड़ेगा, उनके कॉन्शियस, उनके जो अगर इनर कॉन्शियस है तो उनको सोचना पड़ेगा, उनको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि इतने साल के बाद आज उन पर इल्जाम लग रहा है। तो गुलाम नबी साहब, कल मुझ पर और कांग्रेस पार्टी हम पर उंगलियां ना उठाए, पहले कांग्रेस पार्टी खुद अपने पार्टी में झांक कर देख लें कौन बीजेपी का साथ दे रहा है। नहीं, कांग्रेस की वजह से तो मोदी दो बार प्रधानमंत्री बने हैं ना, तो कांग्रेस की वजह से बने हैं। अगर वो लोग सही काम करते तो मोदी 2014 में क्यों जीतते, अगर वो अपोजिशन का सही रोल निभाते तो 2019 में उनकी 50 सीटें क्यों आती और इतने उनके एमएलए क्यों बीजेपी में भाग रहे हैं। तो इनकी कमजोरी है, इनकी गलती है, जिसका रास फायदा बीजेपी को मिल रहा है।